कैप्टन का स्पेशल सीक्रेट मसाला जो ये बिल्कुल भैया बताएंगे नहीं, भैया फिर भी बता तो सकते हो कि नहीं? नॉर्मल। तो ये मेरी बिरयानी आ गई है और अब मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ, पास में लेकर आओ, आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ वर्ल्ड बिरयानी डे। यार आज ना मेरा ना बिरयानी खाने का बहुत मन हो रहा है और आज है वर्ल्ड बिरयानी डे, तो ना अपन है ना अजमेर की अच्छी और फेमस बिरयानी खाने चले। हाँ बिल्कुल। तो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाता है। अभी हम आ गए मसाला नामा फाइन इंडियन कुजीन जो की है अनासागर चौपाटी के बिल्कुल ठीक सामने। जब आप अनासागर के लिए आएंगे और उसके एक तरफ रास्ता जाएगा जवाहर रंगमंच के लिए, उसकी तरफ ये पड़ेगा। एक बार दिखा दे कि रास्ता अनासागर चौपाटी से बिल्कुल सीधा जाता है जवाहर रंगमंच के लिए, उसके बीच में पड़ेगा बेल्जियम गतल उसके सामने। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर बिरयानी खाने, ठीक है? तो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वेराइटी है। तो अभी हम आ गए हैं इनके मसाला नामा के रेस्टोरेंट में और ये इनका इंटीरियर है। तो अब हम आ गए हैं मसाला नामा के यहाँ पे किचन में। तो आप ये देख सकते हैं कितना हाइजीन किचन है, बहुत बेहतरीन है। और आज वर्ल्ड बिरयानी डे है तो मैंने मेरे लिए एक पार्सल लगवाया था अभी चिकन बिरयानी का। तो हमें अभी एक कुक साहब है इनके पास अभी हम जाएंगे। सर तो अभी आप ये क्या क्या पीसेस रहता है सर इसमें? फोर पीसेस रहते हैं। ओके, फोर पीसेस रहता है। और इसमें तो चावल कौन सा डलता है सर? बासमती राइस। और ये ग्रेवी सर? ग्रेवी हमारे टमाटो ग्रेवी है और ये येलो ग्रेवी है चौथा साल। ओके, अगर हम आपको स्पाइसी चाहिए तो हम इन चीज़ों में ऐड करेंगे। ओके, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर कैसे क्या? अच्छा, जैसा कस्टमर चाहता है। कस्टमर चाहता है, ठीक है। तो सर आपका ये जोमेटो एंड स्विगी पे भी मसाला नामा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो फिर आज क्या आपको खाना चाहिए? मैंने तो मेरे लिए लगा दिया है और आप अपने लिए क्या लगाएंगे आज फिर? मैं तो खाऊंगी वेज बिरयानी। ओके, क्योंकि यहाँ का वेज और नॉन वेज हम दोनों ट्राई करना चाहते हैं, ताकि हम लोग, क्योंकि आज वर्ल्ड बिरयानी डे है और फर्स्ट संडे होता है जुलाई का, वो होता है वर्ल्ड बिरयानी डे, तो इसलिए आज हम लोग बिरयानी चैलेंज भी करेंगे और साथ में वेज और नॉन वेज दोनों बिरयानी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो अभी ये इनके किचन का सेटअप आप दिखा सकते हैं, एक बार ये राइस दिखा सकते हैं, ये एकदम फ्लफी राइस है एकदम, आप देख सकते हैं। ये डबल चाबी सर, डबल चाबी है, डबल चाबी के चावल है, बहुत सुंदर तरीके से एकदम खिले खिले से एकदम शानदार। और सर ये मटका? हाँ जी, इसमें बिरयानी इसमें ही। अच्छा, आप मटका बिरयानी लगा रहे हैं मेरे लिए? ओहो क्या बात है, चंपारण मटन सुना था, चंपारण चिकन सुना था, लेकिन आज हम मटके में मटका बिरयानी हम खुद के लिए लगाने वाले हैं। तो सर को अभी और आग देते हैं। ये टॉस होगा, ये आपने फ्राइड अनियन डाला सर? हाँ जी, फ्राइड अनियन। ओके 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 ओके, काफ़ी हाइजीन रख रखा है, काफ़ी अच्छा किचन सेटअप रख रखा है इन्होंने। मसाला नामा जो कि अनासागर चौपाटी के पास में, ये हमारा स्पेशल मसाला जो हम कभी अपना पर्सनली बना रखा है। अच्छा, ये इनका स्पेशल सीक्रेट मसाला जो ये बिल्कुल भैया बताएंगे नहीं, भैया फिर भी बता तो सकते हो कि नहीं? नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है, अच्छा अच्छा, सही है सही है। भैया का सीक्रेट मसाला था जो अभी बिरयानी में जा सका। ओके, राइस ऐड होगा। सबसे पहले इसमें मटके में राइस जाएगा जैसा कि भैया बता रहे हैं। इसके बाद में लेयर बनाएंगे थोड़ा। अच्छा, उसके बाद एक लेयर बनेगी सर? अच्छा अच्छा, चिकन डालेंगे, चिकन डलेगा, ऐसे एक लेयर हो जाती है ताकि इसका कोट रहे, राइस और से कॉम्बिनेशन बना रहे। ओके ओके ओके, Thank you.
गार्निशिंग के लिए। ओके फ्रेश मिंट, अच्छा फ्राइड ऑनियंस, ओके फ्राइड ऑनियंस डलेगा। अच्छा इसमें कवर करेंगे। ओके तो सर ये अभी क्या आपने किया? इसको कवर किया मैंने इसे। अच्छा कवर किया, इसको इसको हम दम देंगे अपने तरीके से। अच्छा दम देंगे। हाँ अभी आप देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके तो ये कुछ यूनिक स्टाइल सर, मसाला नामा का ये यूनिक है। नहीं सर मुझे दो तीन जनों ने बोला था एक बार मसाला नामा जाए, इनके यहाँ की बिरयानी है बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आज खुद यहाँ पे आया था। देखिए एकदम यूनिक स्टाइल से ये बना रहे हैं, एकदम यूनिक स्टाइल है ये बिरयानी को। सर दम दे रहे हैं आप, ये दम दे रहे हैं। ये रेडी सर, तो ये फाइनलाइज जो हो गया है इस बिरयानी का वो ये है। अब ये मैं घर ले जाऊँ चाहे यहाँ खाऊँ, लेकिन मेरी इच्छा है घर बैठ के आराम से पेप्सी या डाइट कोक के साथ आराम से खाने का मज़ा ही अलग है इसका। यहाँ पे एक और कुछ ये लग रहा है इनका। सर ये आप क्या लगा रहे हैं? तंदूरी सेवन पेपर। तंदूरी सेवन पेपर। ओके सो मैंने मेरी बिरयानी पैक करा दी है, और ये रही मेरी बिरयानी, ये मेरी मटका बिरयानी पूरी एकदम पैक है। और साथ में इन्होंने मेरे को यहाँ पे अनियन दिए हैं, और यहाँ पे मेरे को दिए मिंट का यहाँ पे चटनी, और यहाँ पे मुझे दिया है दही, दही का रायता है ना। तो ये मैं घर ले जाके आराम से तसल्ली से खाऊंगा, क्योंकि बनी बहुत अच्छी थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं घर जा। और यहाँ पे मोस्टली डाइनिंग नहीं है, ये टेक अवे है, तो इसलिए मैं इसको घर ले जाके अच्छे से खाऊंगा। और अब ये बन रही है हैदराबादी वेज बिरयानी। अच्छा सारे इंडियन स्पाइसेस हैं, नॉर्मली ऐसे होते हैं, और हो गया सब्जी मसाला का, कोरिएंडर पाउडर होगा, जीरा पाउडर होगा, थोड़ा सा ही होगा हल्की चीज़ है टाइनिंग के लिए, हल्का सा हल्का सा हल्का सा इसमें ग्रेवी लगाएंगे, थोड़ी सी टमाटर ग्रेवी है, चॉप मसाला। वर्ल्ड बिरयानी डे, और इसलिए आज हम खाएंगे, क्योंकि आज संडे भी है, संडे है तो बिरयानी का जो दिन है ही, तो इसलिए आज हम लोग खाएंगे बिरयानी।
और ये बिरयानी खुल नहीं रही है, बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग की है। आप देखिए पैकिंग की तरफ दिखाइए थोड़ा सा, ये बहुत अच्छे से इन्होंने पैकिंग कर रखी है ताकि अगर पार्सल जाए कहीं पर तो ये बिखरे नहीं और अंदर से पूरा ये हॉट रहे। तो अब पहले तो अपन इसकी पैकिंग देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी बिरयानी। वाओ, देखो सेम टेक्सचर दिया है ना, इसमें भी साथ में रायता दिया है, मिंट सॉस दी है और अनियन दिए। ये देखिए, चलो तो तुम तो यहीं टेस्ट कर लो, मैं तो घर जाके खाऊंगा। ठीक है, तो मैं खा के आपको बताती हूँ। और ये है दही और ये है हमारी स्पाइसी चटपटी ग्रीन चटनी। बहुत ही, पहले मैं पहले ग्रीन चटनी टेस्ट करूँगी। बहुत अच्छी है ये। धनिया और मिंट यानी पुदीना और हरी मिर्ची, अदरक और बहुत ही अच्छा मतलब फ्लेवर है। सबसे बड़ी बात है इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है ना, जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बहुत अच्छी है। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, तो बहुत आराम से आप इसको खा सकते हो इसके साथ। और ये है सैलेड, बिल्कुल फ्रेश है। तो अब मैं पहले बिरयानी टेस्ट करती हूँ। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये अंदर से मैंने लिया है ये वेजिटेबल, ये है गोभी, बीन्स और गाजर। अब मैं ट्राई करूँगी मेरी बिरयानी और मैं आपको बताती हूँ कि बिरयानी मुझे कैसे लगी। अच्छी है, फ्रेश है। सबसे बड़ी बात है कि जो चावल है इसके, जो चावल है वो बहुत खिले खिले से हैं और बहुत मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं है और कच्चे भी नहीं है। मतलब एक एवरेज जो होने चाहिए बिरयानी के अंदर जो होना चाहिए वैसा ही है। और स्पाइसी भी कम है, आप चाहें तो आप एड ऑन स्पाइसेस बोल सकते हैं, लेकिन ये एक जिसको स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी ये खा सकता है कि बहुत टेस्टी है। मैं फटाफट से बिरयानी ख़त्म कर रही हूँ और फिर आगे देखते हैं, क्योंकि आज बिरयानी डे है तो जल्दी से खा लेते हैं बिरयानी। देखते हैं दही के साथ ये कैसा लग रहा है। दही और चटनी के साथ तो ये है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है।